जनाबे मरियम का ताल्लुक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, लेकिन कुरान मजीद बयान करता है कि जिस वक्त जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम जनाबे मरियम की बारगाह में आते तो गर्मियों के फल सर्दियों में, सर्दियों के फल गर्मियों में। क्यों? जिस नबी से ताल्लुक पैदा होने वाला है, जो नबी पेट में आके जलवा अफरोज होने वाला है, उसकी शान यह है कि अभी मां की शादी नहीं हुई, बगैर मौसम के आ गया है। तो बगैर मौसम के आना उसकी स्पेशियलिटी है, इसलिए जिस मां ने उसको अपनी गोद में खिलाना है उसकी स्पेशियलिटी है बगैर मौसम के फल मिलते। और वली के बारे में कुरानी मौकिफ, जिस वक्त फल बगैर मौसम के मिले तो मौके पर थे जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम, उन्होंने क्या स्टेप लिया, क्या इस मौके पर इकदाम किया, उस इकदाम पर गौर करें तो आज का मसला निकल आता है कि सुन्नी अपने इकदाम में आग बजाने बैठे नहीं। उन्होंने जू ही देखा वलिया आता गई है तो हुनाली कदा ज़करिया रब्बहू, उसी मकाम पर कवायद के मुताबिक हुनालिका का पहले आना असर के लिए है, ये और किसी मकाम पर खड़े नहीं हुए। जिस जगह जनाबे मरियम थी उसी मकाम को बतौर वसीले के इख्तियार करके कहा रब्बी अबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, उसी मकाम पर खड़े होकर के रब से कहा मौला करीम मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। हाथ कौन आया? वली, वलिया है। किसके हाथ आया? नबी के। नबी ने किया क्या? रब से बेटा मांगा। आज जो मसला हमें बताते हो, अगर तुम जनाबे ज़करिया के दौर में होते उन्हें क्या बताते? कि मांगना अल्लाह से है, अल्लाह से क्या नहीं मिलता जो वलिया की बारगाह में खड़े होकर मांग रहे हो? हैं? उन्होंने जो ही वलिया को देखा तो रब से बेटा मांगा, पता चला वली आता है जो लोग औलाद मांगते, ये सुन्नत अंबिया है, सुन्नत अंबिया है। नबी ने वो छोटे मोटा मौलवी कहता है जनाब मैं इतना पढ़ा हुआ मैं क्यों जाऊं, रब ने बताया कि शान तो नबी की ऊंची है, और हर मजहब में यही इत्तेफाक है कि नबी सबसे ऊंचा होता है, लेकिन ऊंची शान वाला भी कभी छोटी शान वाले से फायदा उठा लेता है। बेटा मांगा। इस मौके पर अबू बकर इब्नुल अरबी, अबू बकर इब्नुल अरबी भी इंदलसी है लेकिन यह इब्ने अरबी नहीं है, जब अल अरबी इस्तेमाल हो तो यह अबू बकर इब्नुल अरबी होते हैं, जब इब्ने अरबी इस्तेमाल हो तो वो मुखीद इब्ने अरबी शाह के अकबर होते। तो वो इस मकाम पे लिखते हैं, भाई बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए, एक बड़ा कीमती पॉइंट दो मिनटों के बाद आने वाला है, गालिबन जिंदगी में वो कभी आपने सुना नहीं होगा, तो इतफाक से मेरे टारगेट में आगे मैं अर्ज करता हूं, शायद फिर भी इतफाक आपको ना हो सुनने का, बड़ा कीमती पॉइंट है। कहते सवाल यह उठता है कि जनाबे मरियम जिस वक्त के हुजरे में थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम की देखभाल किया करते थे, तो उस वक्त आप उनके पास गए तो फल बगैर मेहनत के पाए, मेहनत कोई नहीं थी, फल थे। पर जिस वक्त बेटे को जन्म देने का वक्त है, बच्चे को जन्म दिया, तो अल्लाह करीम हुआ हुज़ी इलाइके बिजिद इन्नकलत तुसाकित अलाइके रुतबं जनिया। वो जो रात बात आप पूछ रहे भैया, सवाल कुरान कहता है जनाबे मरियम से हमने कहा कि तू खजूर के टुंड पकड़ के हिला, तुझ पर तर खजूरें गिरेगी। अब इन दोनों मौकों को कंपेयर करो, यानी जब हुजरे में थी तो बगैर मेहनत के फल मिलते थे, अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दे लिया तो अब कहा तू खुद टहनियों को पकड़ के हिला तो तर खजूरें गिरेगी। वही मरियम जब वहां हुजरे में थी तो बगैर मेहनत के मिलती, अब जब बच्चे को जन्म दे चुकी है कहा मेहनत करनी पड़ेगी, मौका तो अब था कि बच्चे को जन्म दिया हुआ अब तकलीफ ना हो, बगैर मेहनत के मिलने का तो अब वक्त है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही है? कितनी दो टोक सी बात समझ आ रही है? जिस वक्त वो फारिग थी
बगैर बच्चे के थी, सेहत तो आफियत से थी, मेहनत करने की जरूरत पड़ती तो वहां मेहनत कर सकती थी, वहां तो बगैर मेहनत के फल मिले। पर जिस वक्त बेटे को जन्म दिया उस वक्त मेहनत का क्यों हुक्म दिया गया? ये क्लिंच ऑफ केस है इस डिस्कशन का। यानी जो इस मजमून की गांठ है ना, वो ये है कि जनाबे सैयदा मरियम जब हुजरे में थी तो बगैर मेहनत के फल मिलते, अब जब बच्चे को जन्म दे चुकी है, आराम का वक्त है, अब क्यों कहा गया कि तू खुद टहनियों को पकड़ के हिला? इस जगह इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ने लिखते हैं, क्या इसका मकसद यह है कि बे मेहनत के उस वक्त मिलते थे जिस वक्त जनाबे सैयदा मरियम के दिल में सिवाय जाते बारी ताला के और किसी की मोहब्बत नहीं बसती थी। क्या जब किसी के दिल में मेरी मोहब्बत के बगैर कोई न बसे, उस वक्त मेहनत उसके लिए कायनात करती है, वो कायनात पर हुकूमत करता है। लेकिन अब जबकि बच्चे को तूने जन्म दिया, तेरे दिल में बच्चे की मोहब्बत पैदा हो गई, तो जिस घर में हम अकेले रहते थे उस घर में एक और पार्टनर भी बन गया है, इसलिए ऐ मरियम अब हाथ हिलाना पड़ेगा जब जाकर के खजूरें। मगर मैं इस राय के खिलाफ हूं, मुझे इस राय से इत्तेफाक नहीं है। हाँ, ये उन्होंने नहीं लिखी, ये मैं कह रहा हूं, और लिख ले भी सका तो वक्त आए तो लिखूंगा इंशाल्लाह। क्योंकि औलिया अल्लाह के मबाहिस में आले इल्म ने लिखा है किरामत की दो किस्में होती हैं। एक किरामत की किस्म वो होती है कि आदमी के इरादे और कुदरत को दखल न हो, वो किरामत खुद ब खुद जहूर में आ जाए। एक किरामत की किस्म वो होती है कि आदमी के इरादे का दखल न हो, खुद ब खुद उसकी बरकत से आ जाए। कई जगह कई बुजुर्ग गए तो देखा कि उस मौसम में फल ज्यादा हो गए, फूल ज्यादा हो गए, गल्ला ज्यादा हो गया। तो ये किरामत की वो किस्म है कि इरादे को दखल न हो, बगैर इरादे के ही वो बात जहूर में आ जाए, इसका नाम है किरामत। इरादे को दखल ना हो। अल्लामा हजारवी रहमतुल्लाह की बारगाह में एक आदमी गया, उसने कहा जनाब मैं आपसे बैत होने आया हूं, पर मेहरबानी करके मुझे कोई किरामत दिखलाएं। और हुआ निच मार, निच मार। उन्होंने कहा निच पे मैं नहीं आई। अगर तो आ निच नहीं आई तो मां किरामत नहीं आई हुई। यानी तू छीक मार सकता है पर इस मार नहीं सकता। इसी तरह मैं भी किरामत दिखला सकता हूं, किरामत आए तो है? तो ये किरामत की वो किस्म है जिसमें इंसान के इरादे को दखल नहीं। जैसा छीक इंसान की एक सिफत है, मगर आदमी के बस की बात नहीं कि किस वक्त मारे। दूसरा किरामत की किस्म वो है कि जिसका नाम है तसरुफ, कि जिस वक्त वो चाहे ना तो अपनी मर्जी से वो किरामत दिखला ले, इसका नाम किरामत नहीं, इसका नाम तसरुफ है। और ये किरामत के मुकाबले में आला दर्जे की चीज है। जनाबे मरियम की किरामत क्या थी? बगैर मौसम के फल मिलना। वो उस वक्त की बात है जब किसी की मोहब्बत दिल में सिवाय जाते बारी ताला के नहीं बसती थी। अब दूसरी सूरत क्या हुई? अब दूसरी सूरत यह कि पहले ऐ मरियम तेरे दिल में कोई रास्ते में रुकावट ही नहीं थी, उस वक्त मोहब्बत क्या करती थी? उस वक्त मोहब्बत मुझसे ना करती तो किससे करती? खामन तेरा था नहीं, भाई तेरा था नहीं, कोई जोड़ा था नहीं, जिंदगी की कोई मसरूफियत थी नहीं, रहती थी एक पैगंबर की निगरानी में, रहती थी एक पाकीजा मकाम पर जहां गुनाह के असबाब कोई नहीं थे, तो उसे मुझसे मोहब्बत न करती तो करती क्या? अब मौका आया ये कि तेरा बेटा हो गया, बेटे की मोहब्बत के होते हुए उस पर काबू डाल के मेरी मोहब्बत को तूने सीने से न निकलने दिया। ऐ मरियम पहले फल मेरी मर्जी से आते थे, अब फल तेरी मर्जी से आए।